क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट कॉमन सब्सट्रेट यूज इन डिस्टिलरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए सबसे कॉमन जो सब्सट्रेट है हमें वो लिखना है. तो इथेनॉल का प्रोडक्शन ग्लूकोज से होता है, तो सबसे कॉमन वही होगा जिसके पास जो इजीली अवेलेबल होगा और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कंटेंट होगा. तो जनरल प्रोडक्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो मोलेसेस है. कॉर्न मील, ग्राउंड ग्राम, सोयाबीन, ये सब थोड़े कॉस्टली पड़ जाएंगे. साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का कंटेंट भी मोलेसेस में होता है, इसलिए मोलेसेस इज द जनरल सबस्ट्रेट बिकॉज इट इज इजली अवेलेबल एंड हैज हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज.